वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. अच्छा, बहुत सारे मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी और मुझे एज अ सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. या जितने भी अकल्ट साइंसेज हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में यू नो मालूमात रहती है. इनफैक्ट कई लोग, मेरी बहन खुद मुझसे पूछती है कि सर तुम्हें कैसे पता रहता है कि कौन सा सितारा रेट्रोग्रेड में है और क्या नहीं है. यानी बचपन से ये शौक शुरू हुआ जिसके अंदर आप पहले तो अपने सन साइन की बात करते हैं, लेकिन फिर आप इसको अगर डीपली स्टडी करते हैं और अपने जायचे को देखते हैं तो हर शख्स का एक सन साइन भी होता है, एक मून साइन भी होता है और उसका एक असेंडेंट भी होता है. ये तीनों सितारे आपके लिए बड़े अहम हैं क्योंकि सन इज योर आउटवर्ड पर्सनालिटी, यानी जो दुनिया को दिखती है. मून इज मोर योर इनवर्ड्स और असेंडेंट वो है जिसको आप सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. ये वो टैलेंट्स हैं जिनका सबसे ज्यादा असर होता है आपकी लाइफ में. तो अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ पता है तो बहुत सारे टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. अच्छा जी, इस वक्त जरा आसमान की तरफ देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, सेल लगी हुई है. छह सितारे इस वक्त, छह प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोग्रेड में हैं और यकीनन अगर आप यू नो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं तो ये सारा का सारा आपका फॉल्ट नहीं है. इस वक्त जरा ऊपर के मामलात उलझे हुए हैं तो हमने सोचा कि आज जरा एक घंटा इस पर बात की जाए और आपकी कॉल्स भी हम ले लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. आज हम किसी सियासी पार्टी के लीडर की जो है ना जायचा नहीं निकाल रहे, ना उनके लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन टैरो और एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हुए तमाम लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी गाइडेंस है आज. यानी तमाम जो 12 जोडियाक स्टार्स हैं उनके लिए इस वक्त गाइडेंस होगी आज के इस शो में. और मुख्तलिफ जिंदगी के एरियाज, यानी कि आपकी फैमिली है, ट्रैवल है, करियर्स हैं एंड ऑफकोर्स आपके अगर हम बात करें लव लाइफ के ऊपर भी, कि अगर आप समझते हैं कि जी मामला किस तरफ जा रहे हैं तो वील फाइंड आउट. ये जो आवाज अभी आपको आई है, दिस इज द वन एंड ओनली सामिया खान जी, जो कि मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं और आयशा इनकी बात नहीं सुन रही है. अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए. मुझे नहीं बताया गया कि आपने क्या जाना है. जब आपने बात की कि 12 सितारों की इन्फॉर्मेशन है तो ये मैंने अपना होमवर्क फटाफट मंगवाया. अरे जी सामिया जी का ऑनलाइन चैनल लोग सारे फॉलो किया करें अगर आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए. और वैसे तो उनकी सियासी पेशन गोइयां हमेशा ही दुरुस्त बैठती थी, लेकिन मैंने देखा कि पिछले साल से सामिया जी ने कहा अब मैंने ना कोई सियासी पेशन गोई करनी ही नहीं है, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं है. अच्छा जी, बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं. हमारे साथ ताहिरा रुबाब भी मौजूद हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं. उनसे भी जानेंगे कि सूरत हाल क्या चल रही है और क्या सितारों का असर होता है. कई ममालिक में, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो जब तक कुंडलियां नहीं मिलती तब तक शादी की तारीख नहीं तय होती. हमारे यहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हमारा एक अपना अंदाज है. हमारे यहां लोग इस्तखारा तो जरूर निकालते हैं, कुछ गाइडेंस जरूर जानने की कोशिश करते हैं और यकीनन कुछ दिनों को हम बेहतर गर्दानते हैं. जैसे अभी सफर का महीना चल रहा है तो अमूमन आप इसमें देखेंगे शादी की तकरीबात नहीं होती. इसके अलावा लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं. थैंक यू सो मच उनसा फॉर बीइंग हियर एज वेल. जी सबसे पहले अगर शुरुआत मैं करूं ताहिरा जी आपसे कि हमारे एरिया में आप किस तरह देखते हैं. वैसे तो क्या ये अजराहे कॉन्वर्जेशन स्मॉल टॉक के लिए किया जाता है कि जब आप देखें हमारे घरों में रिश्ता आता है तो पहली बात आइस ब्रेकर के तौर पे जो दो पार्टीज एक दूसरे से मिलाई जाती है वो एक दूसरे के स्टार जरूर पूछते हैं और फिर उसके बाद किसी ना किसी किताब को या किसी वेबसाइट को कंसल्ट करके ये देखते हैं कि क्या ये दोनों सितारे एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं. ये सिर्फ स्मॉल टॉक है या इसमें कुछ और डेप्थ भी होती है आपके ख्याल में? नहीं, एक्चुअली आपने बिल्कुल फाइंड आउट किया है सिद्धार्थ. हमारे यहाँ पे बेसिकली जब कोई रिश्ता आता है या इवन लोग आपस में रिलेशनशिप्स बनाने की भी बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्स के ऊपर जो है फोकस किया जाता है कि आपका क्या स्टार है, मेरा क्या स्टार है. एंड देन ये ट्रेंड बहुत ज्यादा जो है ना इस पर ग्रो कर गया हुआ. लोग जो बहुत स्टार्स के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, आपके बिहेवियर्स के बारे में बताया जाता है, उसको लोग बिल्कुल उसी तरह से अपने दिमाग में फिक्स करके फिर उसी तरह से अगले बंदे को जज भी करते हैं, उसके साथ अपना बिहेवियर भी उसी तरह से जो है वो बनाते हैं. तो दीज आर वेरी वेरी कॉमन दीज केस. एंड देन मैं ये समझती हूँ कि जब आप स्टार्स को पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स जैसे आपने खुद भी बताया कि तीन चार एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो डे टू डे आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं. तो इनफैक्ट बात ये है कि हम बहुत छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज लेके उसको जब फिर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा साइकोलॉजी से अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ,
तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हर बंदा क्योंकि बहुत सारे डेज इफेक्ट करते हैं, टाइम इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें जो है, जैसे अगर हम इस नॉलेज को थोड़ा सा डेप्थ में जानने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। सही। लेकिन कभी कभार आपका ये जो डेली या वीकली जायचा होता है ये लोगों को थोड़ी सी ढारस भी दे देता है, उम्मीद दिला देता है, और खास तौर पे इसको वन मस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये एक जनरलाइज फॉर द लार्जर पॉपुलेशन है। तभी कहा जाता है अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट करे तो उस पर कान धरिए, अगर नहीं है तो उसको फोर्स अपने ऊपर बिल्कुल ना कीजिए। सामिया जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये साल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आया। अगर हमें लगता था कि कोविड वाले साल मुश्किल हैं, तो साल 2022 तो और नए नए हमारे लिए बाउंसर्स और सिक्सर्स लेके आया है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये ओवरऑल ये साल क्या कशीदा साल है, और खास तौर पे इस वक्त जो वक्त चल रहा है कि 6 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, ये भी बड़ा कॉमन होता है, या ये यू नो दिस इज अ टाइम टू बी वेरी केयरफुल, क्या कहेंगी आप? जो ये वाला टाइम है सिद्रा जी, मैं आपका मोनोलॉग सुन रही थी, सबसे पहले आपके सुनने वालों के लिए माजरत, क्योंकि जब मुझे पता चला कि जनरलाइज सितारों पे बात करनी है तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर सकती, मुझे अपना होमवर्क मंगवाना पड़ा फौरन। तो जो ये मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप एक मेरी पेश हुई, अभी मैंने एक अल जजीरा चैनल को भी इंटरव्यू दिया, वो बहुत वायरल हुई है, जिसमें मैंने कहा था कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है सिद्रा जी। अच्छा, फिर दूसरा एतकाफ में जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, और जो कि हमें कहा गया है कि जमीन से नूर उठा लिया जाएगा, सबसे पहले तो आपके, क्योंकि सिद्रा मुझे पता है कि मैं खुद आपके शो को, हालांकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि मैं थोड़ी सी इंसोम्निया की पेशेंट हूं, तो मैं जो है आपको इसलिए आपके शो पे आती हूँ कि आपको सेंसिबल लोग सुनते हैं, क्योंकि खुद माशाल्लाह बहुत प्यारा शो कंडक्ट करती हो आपकी, हमारे काम पे भी बड़ी मुकम्मल ग्रिप है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने कहा है ये याद रखिए, मैं एक बार जो मैसेज, हम एक जनरलाइज मैसेज जो कि अपने दिलों पे लिख लीजिए कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ सफर शुरू है। हर साल आपको पिछले साल से डिफिकल्ट लगेगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये मेरी जिंदगी में सुकून नहीं, ये इसको ना छोड़ दीजिए, अपने किबले सीधे कीजिए। इस साल जो आसमान के सितारों ने तूफान जी बचाया है, उसी तरह के हालात है जैसे हम हमारे मुल्क की जमीन में, बिल्कुल वही हालात आसमान के ऊपर है, और ये कोई हमारी यूजुअल सिचुएशन नहीं है, ये बड़ी खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। जब मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ देखती हूँ, लोगों को साथ साथ अवेयरनेस देती हूँ। मेरा हमारी जो मेरी एस्ट्रोलॉजी है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, ये वही काम करती है जैसे नेविगेशन काम करता है गूगल मैप आपके लिए, बिल्कुल जैसे महकमा मौसमी काम करता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी दुआ जो है तकदीर को बदल भी सकती है, सदका अल्लाह की कहन को ठंडा भी कर सकता है। लेकिन इसी वजह से कहना चाहती हूँ कि किबले दुरुस्त रखिए, सिर्फ आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सदके देंगे तो अल्लाह को आपकी नियतों का पता है। तो सबसे पहले जो पहला मैसेज है कि हलाल रिस्क अपनी औलाद को खिलाना शुरू कर दें, और जिंदगी में अपने किबले सीधे कर लें, शायद अल्लाह का कहर जो आसमान से रेडिएशन जमीन पे आनी है, क्योंकि जब ये सितारे उल्टे चलते हैं उनकी जो रेडिएशन है वो जमीन और अहले जमीन बुरी तरह हिट होते हैं, जो कि नजारा आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। फिर एक और बात कह दूं, आपने कहा कि मैंने सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया, सिद्रा जी जब अल्लाह ताला ने इस साल मेरे पूरे पैराग्राफ की इज्जत रखी, पूरे पैराग्राफ की जो मैंने अगले साल के एंड पे दिया, क्योंकि मैंने बहुत तनकीद भुगती है इमरान खान साहब के चाहने वालों से, क्योंकि मैं हम पेशगोइयां देते हैं इल्मी बेस के ऊपर। यहाँ पे मैं फिर अपनी बात करूंगी कि मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, या मैं खान साहब की प्रो नहीं हूँ, या मैं नून की एंटी नहीं हूँ, मैं नून लीग के दौर में नून लीग के खिलाफ हूँ, क्योंकि हुकूमत के लिए पेशगोइयां ली जाती है ना, तो उस वक्त भी खतरनाक पेशगोइयां होती थी, इस साल भी थी। तो मैंने जब अल्लाह ताला ने पूरे पैराग्राफ की इज्जत रखी, मैंने कहा इस इज्जत के साथ जो है ना सियासी पेशगोइयों से माजरत करते हैं, और बाकी अपना काम मैं कर ही रही हूँ लोगों की जो जनरलाइज हेल्प। एक बात और जो आपने कहा कि सन मून,
देखिए जब हम भी इंडिविजुअल जर्नलाइज हॉरोस्कोप में तो हमने सन को ही पढ़ना है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल रीडिंग होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप पैदा हुए आपका चांद कहाँ था, आपका सन कहाँ था, आपका राइजिंग प्लैनेट कौन सा था, और सबसे ज्यादा आपका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके नाम का भी एक सितारा है। तो चार चीजों से रीडिंग करनी चाहिए जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, लेकिन इसको एक साइंस की तरह लीजिए, एक गूगल मैप की तरह लीजिए, गैप का ही सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। Absolutely. हम आजमाए जाएंगे, अजमाए जाएंगे या नहीं अजमाए जाएंगे, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब आपको पता होता है ना कि अगर जिस तरह हम गूगल मैप, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आगे रश है या आगे सड़क टूटी हुई है या दूसरी डायवर्जन ले लो, तो आपको पता होता है और थोड़ा सा